आईसीसी लेगी बड़ा फैसला, अब से हर साल खेली जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज खेली जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के दो चीर प्रतिद्वंदी, जिनके आमने सामने होने से क्रिकेट स्टेडियम जंग के मैदान जैसा दिखने लगता है, रोमांच हदें पार करने लगता है, पलकें झपकती नहीं और नजरें हटती नहीं। भारत और पाकिस्तान के कूटनीति रिश्तों का असर दोनों देशों की क्रिकेट पर भी खूब पड़ता है। जो घमासान 90 के दशक में आम था वो अब गाहे बेगाहे सिर्फ आईसीसी या फिर एसीसी के इवेंट में ही दिखाई देता है, जो या तो 2 साल पर या फिर 4 साल पर होते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर वैसे ही ताला लगा है, अब भारत और पाकिस्तान हर साल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पीसीबी के चीफ रमीज राजा बड़ी पहल करने जा रहे हैं। वो आईसीसी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं जिसे अगर मान लिया गया तो भारत और पाकिस्तान हर साल T20 खेलने के बहाने क्रिकेट के मैदान पर टकराएंगे। पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा एक चतुर्कोणीय सीरीज का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जो साल में एक बार होगा। इसमें 4 टीमें शिरकत करेंगी जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान शामिल होंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान प्रतिद्वंदता को फिर से जिंदा करने के मकसद से पीसीबी चीफ रमीज राजा आईसीसी की अगली बैठक में पारंपरिक एशियाई प्रतिद्वंदताओं और एसएच के कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच चतुर्कोणीय सीरीज का प्रस्ताव देगा। आईसीसी के सामने अपने इस प्रस्ताव को पेश करने की जानकारी रमीज राजा ने खुद भी ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि हम हर साल 4 देशों भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 टूर्नामेंट का आयोजन का विचार आईसीसी के सामने रखेंगे। ये टूर्नामेंट बारी बारी से चारों देशों में कराए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान साल 2013 के बाद से सिर्फ आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। भारत और पाकिस्तान आखिरी बार एक दूसरे से T20 वर्ल्ड कप 2021 में भिड़े थे। उस मैच में भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट के बड़े अंतर से हराया था। भारत इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाया था और उसका दूसरी बार खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।